आपने देखा है 17 साल बाद जंगल राज से आप सुशासन की सरकार में, इसमें आपने क्या बदलाव देखा है उसी बारे में? लालू यादव के समय में सड़क का तो नामो निशान था ही नहीं, लोग गड्ढा में चलता था, लेकिन नीतीश कुमार के आते ही हॉस्पिटल, सड़क सब में इतना विकास हुआ, थाना, पुलिस, हम लोग पुलिस मतलब गुंडा के डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन नीतीश कुमार के आते सब कुछ एकदम सही हो गया। बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसा, छात्रवृत्ति के लिए साइकिल, इतना चीज़ मिला कि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया, मध्याह्न भोजन योजना आया, तो बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम किया गया, पढ़ाई के क्षेत्र में काम किया गया। तो नीतीश कुमार तो विकास पुरुष के मिसाल हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और अगर नीतीश कुमार जी ने लवली आनंद जी को प्रत्याशी बनाया है तो हम लोग 5 लाख मतों से उनको विजय बनाने का काम करेंगे और सुशासन की सरकार को पुनः बिहार में स्थापित करने का काम करेंगे। जो नीतीश कुमार जी का विकास रथ चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम। हॉस्पिटल ही देख लीजिए ना, विकास का वैसा रूप कहाँ मिलेगा? बच्चा से लेकर बूढ़ा तक का इलाज कराना हो सरकारी हॉस्पिटल में, इतना बढ़िया व्यवस्था है, विधायक जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि उसके बारे में क्या कहना है। क्या नाम हुआ था? भानु प्रताप सिंह। 17 साल बाद नीतीश के कुछ चेंजिंग रहुआ बुझाई थे, रोड सड़क पुलिया शिक्षा व्यवस्था वही पर। नीतीश कुमार के सरकार में बहुत बदलाव आयल है, रोड से लेके हॉस्पिटल, स्कूल सब बढ़िया चल रहल बा। लालू के सरकार में तो बिल्कुल जंगल राज रहे। हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था दिख रहा है? हॉस्पिटल में अच्छी की मरीज के अच्छा से देखभाल, दवाई ये सब ठीक है, टाइम पे डॉक्टर। लालू के सरकार में तो रोड से लेके सब चीज़ बेकार है कि टूटल फूटल रोड पर चले के पड़े। स्कूल में व्यवस्था बाकी जो बच्चा के भोजन मिले व पढ़ाई के अच्छा शिक्षा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, पैसा भी मिलेगा बच्चा के। बिहार में फिर से किसकी सरकार बनने के चाहिए? बिहार में तो बने नीतीश कुमार के सरकार बने के चाहिए। लवली आनंद के कितना वोट से की तरह वोट करे तरह में चाह रहे थे, कितना से जीते के? हमनी 5.5 लाख वोट करे के चाह रहल छी लवली आनंद के। 5 लाख वोट करे के चाह रहल छी लवली आनंद के। हाँ, इस क्षेत्र में पहले से भी रही है, देखा साइड हो। हाँ, लवली आनंद जी को ही वोट करना है। क्या नाम है लवली? राम विनय उपाध्याय रहे। आज नीतीश के सरकार है, नीतीश के सरकार में की व्यवस्था है, कैसन बदलाव है, इसके बारे में आपको बताइए। सरकार में रोड, स्कूल, अपने के पुल, अपने के अथी बिजली, पानी, नल जल सब सुविधा हो गए। लालू के राज में कहाँ कुछ हो रहा था, लालू के तो जंगल राज रहे। आज कैसन राज? आज तो माने सुशासन के राज बा अपने के। नीतीश सरकार अपने के बिहार के लिए बहुत कुछ कैलक है, लालू के सरकार में कुछो न भेल। यहाँ लड़का सब पढ़ रहा है, पैसा ढेउआ दे रहा छन, कपड़ा लाता, साइकिल, भोजन सब कुछ दे रहा बा। लालू यादव के टाइम में कुछो न दिल। हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था? हॉस्पिटल में तो सब दवाई के जेती घड़ी जाए तेती घड़ी गार्डो खोल के अपने के दवाई दे दी। लवली आनंद को नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान करके टिकट दिया है जी, तो 5 लाख से हम लोगों का जिताना है उनको। किनको जिताना है? लवली आनंद को, यहाँ से शिवहर जिला से लवली आनंद को जिताना है, नीतीश कुमार के नाम पर जिता देना है हम लोगों का, यही काम है। बिहार में फिर से किसी सरकार बननी चाहिए? नीतीश कुमार के बनना चाहिए। फर्क हुआ, पहले माने 20 साल जंगल राज रहे, कोई न सड़क नाला रास्ता कोई ऐसा काम न जो बिल्कुल थप रहे। जो नीतीश कुमार जब से एलन, जब से 5 साल में बहुत आगे के काम करके जिसके ऊपर उनका विश्वास जमेल कि ना के नेता सही बा, तो इसलिए उनका माने कि 20 साल से राज कर रहा बार। नीतीश जी, शिवहर में रोड सड़क के इनका राज में कैसन व्यवस्था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए का कहले? महिला के लिए सब सुविधा मिलल, 35-36% माने कि उनका अधिकार मिलल कि हाँ कि नौकरी मिली, हर चीज मिली। स्कूल में क्या क्या व्यवस्था बा? स्कूल में सारा व्यवस्था बा, माने कि कोई ऐसा चीज का जो बच्चा के जो दिक्कत ना है, जो कि जिसके कारण कि उसको कौन कौन चीज मिल रहा है? अंडा मिले रहल बा, खाना मिले रहल बा, पढ़ाई लिखाई के पैसा मिले रहल बा सरकार के तरफ से। चाहे बिल्कुल नीतीश के, नीतीश जी बड़ा भरोसा करके लवली आनंद जी के टिकट दिले छे, रौनी के का उम्मीदवार कितना? नहीं, बहुत बहुत अच्छा 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 उम्मीदवार के वोट दिले बा,
खड़ा कैले वारन उनका वोट हम लोग के देवे के बा। किनका देवे के बाबू? लवली आनंद के। लवली आनंद कितना से जिताबे के उम्मीदवार लवली जी के? लवली के आनंद के जी के कम से कम 50,000 वोट से ऊपर से जिताबे के उम्मीद हमने रखले वाली। इससे नीतीश कुमार का बहुत सारा विकास हुआ, 15 साल पहले कुछ विकास नहीं था, अभी बहुत सारा विकास हुआ नीतीश की सरकार। नीतीश कुमार बहुत हुआ, 35 आरक्षण मिला, सेकेंड में मिला कि 112 सुविधा किया गया, किसी महिला के किसी साथ हस्बैंड कर रहा है, छेड़खानी हो रहा है, और बहुत जगह किसी कदम पर 112 ट्रेन कॉल करिए, ट्रेन पहुंच जाएगा आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में। उसके लिए कोई आपको सुविधा नहीं हो रहा है, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो तुरंत आप ऊपर से अगला आदेश मतलब बड़े बड़े पदाधिकारी जाके मिल सकते हैं, तुरंत एक्शन होगा। फिर भी राशि हो गया, प्रोत्साहन हो गया, रोड हो गया, बहुत कुछ हुआ होने के बाद फिर भी सब ये सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ बदलाव हुआ। पहले जो बच्चा प्राइवेट स्कूल पढ़ता था, अब सरकारी स्कूल पढ़ता है, फाटक रीजन में बहुत कुछ बदलाव हुआ, और उसमें मिल रहा है बच्चों बहुत कुछ, सालकी मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, बहुत सब ऐसा चीज मिल रहा है कि जो पहले नहीं मिल रहा था। बिजली के क्षेत्र में क्या बिजली के लिए बहुत कुछ विचार देखे कि बिजली बहुत ज़्यादा रह रहा है, अभी पहले से जो टाइमिंग है बिजली का जो 15 घंटा 18 घंटा 19 घंटा 20 घंटा रह रहा है उसमें, और इसमें क्या कि बहुत सारा ऐसा सुविधा मिला है कि जो बिहार अब 15 साल आगे था, 15-50 साल आगे बढ़ गया है नीतीश कुमार राज में। क्या बदलाव आपने? बदलाव तो बहुत हुआ है, जैसे कि शिक्षा में हो गया, बच्चे लोग पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, अब जो है कि उनके अथी में सारे सुरक्षा है, और स्कूल हर बच्चे लोग अपने अपने स्कूल में और आंगनवाड़ी शिक्षा केंद्र खुला हुआ है, जिसमें सारे बच्चे लोग उपस्थित हो रहे हैं। पहले बच्चे लोग बोरा उरा लेकर जाते थे, बच्चे नीचे बैठ कर अथी करते थे, अब जो है कि हर स्कूल में हर अथी में बेंच डेस्क सब लगा हुआ है, हर चीज़ का सुविधा उनके दिए हुए हैं। हॉस्पिटल में भी व्यवस्था, अभी सर सफाई ये सब का व्यवस्था पहले से बहुत अच्छे है, और हर चीज़ का सुविधा है, हर डॉक्टर उक्टर सब टाइम पे अब रह रहे हैं। और हाँ, बिजली के क्षेत्र में अभी सबसे बढ़िया है, बिजली के क्षेत्र में अभी सब 24 घंटा बिजली मिल रही है, इससे और अच्छी सुविधा क्या होना चाहिए। पहले था, पहले उतना बिजली का अथी नहीं था, लोग अंधेरे में ही जाते थे, अब जो है कि बहुत मतलब ये हुआ है उनके अथी में। नहीं चाहिए, नीतीश कुमार की सरकार ही बननी चाहिए। लवली आनंद जी को टिकट मिला है तो बहुत वोटों से जीतेंगे, 50,000 वोट से भी जीतेंगे वो। नीतीश जी का जो अभी विकास है बहुत बढ़िया, जो पहले कुछ नहीं था, लालू जी का जो सरकार था कुछ नहीं था। शिवहर जिला में किस तरह का विकास देख रहे हैं, रोड की सड़क में? बहुत बढ़िया विकास है यहाँ पे, जैसे देख लीजिए कि डूबापुर जाने के लिए रास्ता ठीक से नहीं था और पिपराली हो गया, अभी बताइए कि बहुत सारा मतलब जाने आने के लिए सुविधा है। नीतीश जी का सरकार में बहुत सुविधा मिला है हम लोग को, जो पहले सोचा भी नहीं था वो है। क्षेत्र में क्या देखें? बिजली के क्षेत्र बहुत बढ़िया, जैसे कि लाए बहुत कम, जो इस समय कटता है उस समय रहता था, जो अभी है वो पहले नहीं था, अभी बहुत अच्छा है, जो लाइट का सुविधा बहुत बढ़िया है। विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या विकास है? अभी बहुत बढ़िया है, जो बच्ची लोग पहले वाला बात था कि पहले बच्ची का सुविधा था ही नहीं, जो अब है वो बहुत बढ़िया है। स्कूल जाने के लिए बच्ची की सुविधा बहुत मिला हुआ है, स्कूल जाने के लिए बननी चाहिए, इसकी सरकार बननी चाहिए। नीतीश कुमार को आनंद को टिकट दिया है, विश्वास कर दिए हैं सर, क्या उम्मीद है आप लोग? दिए हैं तो उनको हम लोग देंगे वोट, जो सर जीतने का उम्मीद है लवली आनंद जीत सकती है, मतलब टारगेट तो नहीं, लेकिन ठीक अच्छी तरीके से वोट से वो निकलेंगे।